बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के जनसभा में मेरे साथ जन सेना के नायक श्री पवन कल्याण जी, हमारे बहुत ही प्रिय संवेदनशील और आपके इलाके का कार्य देखने वाले हमारे प्रत्याशी श्री एम कुमार जी और जिला के अध्यक्ष हरीश रेड्डी जी, मनोहर जी, सभी मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेतागण और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र है हमारे नौजवान साथी, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, ये जो जनसेना और भारतीय जनता पार्टी का जो मिलन है, ये मिलन तेलंगाना की तकदीर और तस्वीर को बदल डालेगा, इस तरीके से हम काम करेंगे। मित्रों, अभी आपने पवन कल्याण जी को सुना, उन्होंने बताया कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और यह काम करें। मैं यहां ये बताना चाहता हूं, आपका ज्यादा समय न लेता हुआ, कि कांग्रेस पार्टी और बीआरएस, ये दोनों पार्टियां को तेलंगाना की जनता ने देख लिया है, परख लिया है और इनकी छुट्टी करने के लिए ये जनता तैयार बैठी है, ये साफ दिखता है। मित्रों, ये दोनों ही पार्टियां बताओ भ्रष्टाचारी है कि नहीं है, बोलो दोनों पार्टी भ्रष्टाचारी है कि नहीं है, भ्रष्टाचारी है ना, कांग्रेस भ्रष्टाचारी है ना और बीआरएस भ्रष्टाचारी है ना। ये बीआरएस का मतलब है भ्रष्टाचारी राक्षसुला समिति और कांग्रेस का मतलब है कमीशन, कांग्रेस का मतलब है करप्शन, कांग्रेस का मतलब है क्रिमिनलाइजेशन। दोनों ने भ्रष्टाचार किया है। अच्छा बताओ, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है कि नहीं, देश आगे बढ़ रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश पांचवें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है, पांचवें नंबर की अर्थव्यवस्था, और दो साल के अंदर ये तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसलिए मित्रों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि आज तेलंगाना में आवश्यकता इस बात की है कि हम जनसेना के कैंडिडेट को यहाँ से प्रेम कुमार को चुनाव जिता करके भेजे, बोलो भेजोगे ना, बोलो भेजोगे ना, जिताओगे ना,
भ्रष्टाचार मिटाओगे ना, तेलंगाना का विकास करोगे ना, आगे बढ़ाओगे ना। देखो याद रखना, बीजेपी और जनसेना मिलकर के तेलंगाना को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी और बीआरएस ये दोनों ही इस प्रदेश को पीछे धकेलने में कोई कभी नहीं छोड़ेंगे, कोई कभी नहीं छोड़ेगा, कोई कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए तेलंगाना का विकास मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, आदिवासी भाई, अनुसूचित जाति को कोई ताकत देगा तो कोई और नहीं देगा, नरेंद्र मोदी काल देंगे। इस बात को हमको समझना होगा और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं को मजबूत कर रही है, जो युवाओं को मजबूत कर रही है, जो गांव को मजबूत कर रही है, जो किसानों को मजबूत कर रही है, जो हमारे आदिवासी भाई को मजबूत कर रही है, जो हमारे दलित भाई, हमारे अनुसूचित जाति को मजबूत कर रही है, उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी है। और इसीलिए आज की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी और जनसेना के गठबंधन को आप आगे बढ़ाएं और तेलंगाना का विकास करें।